रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने जियो 5G को लेकर कहा कि दिसंबर साल 2023 तक हम जियो 5G को देश के हर कस्बे, हर तालुका और हर तहसील तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने के अंदर दिवाली तक हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई प्रमुख शहरों में जियो 5G को लॉन्च करेंगे। अंबानी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक 5G नेटवर्क होगा, क्योंकि जियो की 5G सेवाएं 4G नेटवर्क पर निर्भर नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी नई और बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G तकनीक पर काम करेगी और इस पर 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अंबानी ने कहा कि बहुत से ऑपरेटर नॉन स्टैंड अलोन कहे जाने वाले 5G के एक वर्जन को डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें पहले से मौजूद 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5G रेडियो सिग्नल डिलीवर होता है, जबकि जियो 5G के लेटेस्ट वर्जन स्टैंड अलोन को डिप्लॉय करेगा, जिसकी हमारे 4G नेटवर्क पर निर्भरता नहीं होगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी रिलायंस जियो ने भारत में 5G नेटवर्क के समाधान को तैयार करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है। वहीं मुकेश अंबानी ने 29 अगस्त को यह भी बताया कि कंपनी बेहद किफायती 5G स्मार्टफोन और गूगल क्लाउड विकसित करने के लिए गूगल के साथ भी साझेदारी कर रही है।